सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। बहुत अद्भुत भविष्यवाणी 3 दिन वाली। यकीन मानना, परमेश्वर इस समय वो काम कर रहे हैं, जुबान से निकलते वर्ड परमेश्वर की ओर से जो मिलता है पूरे हो रहे। ये 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करना है सब कुछ बताऊंगा, आई पे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आप इस समय अद्भुत अद्भुत भविष्यवाणी, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करवा रहे हो, प्रकाशन दे रहे हो और सब लोगों के छुटकारे के लिए पिता आगे बढ़ा रहे हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके अभिषेक के लिए जो बहुतायत से है और हर चैनल पर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो भी पिता आज की भविष्यवाणी सुनेगा ये 3 दिन वाली, वो हर एक एंगल से छुटकारा पाएगा, क्योंकि आपने ऐसा कहा है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे दोस्तों, हर एक चरण पर परमेश्वर ने जो भी दिए उन सब पर परमेश्वर का बहुत अभिषेक है, क्योंकि प्रभु ने अभिषेक यहां दिया है, जो काम हम करेंगे उस जगह पे अभिषेक पहुंच जाएगा। हालेलुया। ये 3 दिन वाली भविष्यवाणी है, 3 डेज के अंदर ये पूरी होगी। बस आपको अभी पानी लेके बैठना है, चाहे जग में लेके बैठो या आप बोतल में लेके बैठो। अगर कहीं बाहर हो तो घर पे आके प्रार्थना सुनना और फिर पानी लेके बैठना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रकाशन है। और यकीन मानना, पानी का बिहेवियर चेंज होगा, ठंडा है तो गर्म हो जाएगा और उसका रंग चेंज होगा, हीट होगा, कुछ और दिखेगा आपको। ये बहुत कुछ प्रकाशन है, इतना अभिषेक है। जब हम उपवास रखते हैं, उपवास के जब कार्य करते हैं तो अभिषेक बहुत ऐसे बहता है, ये बात हम और आप जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एक वचन दिया है और इसी वचन के अनुसार भविष्यवाणी है। विश्वास आपका, प्रार्थना मेरी, परमेश्वर कार्य करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, जब भविष्यवाणी हो, वचन पढ़ा जाए तो पिता पानी का कलर चेंज हो, उसका बिहेवियर चेंज हो, ठंडा है तो गर्म हो जाए और गुनगुना है तो ठंडा हो जाए, जैसा आप चाहो वैसा हो जाए। ये प्रकाशन होगा कि आपका हाथ उस पानी पर आया और पिता लोगों को अलग अलग करे कर दिखे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आत्मिक आंखें खोलने वाले परमेश्वर आप। हां और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्या है, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर, लास्ट तक बने रहना। और चाहे बीमारी हो, परेशानी हो, चिंता हो, कलेश हो, आपके अंदर क्रोध हो, बुरी आदत हो, किसी के अंदर भी है, जब ये पानी का इस्तेमाल वो करेगा तो यकीन मानना, अंदर से आत्माएं जो बुरी है, बुरी आदत निकल के बाहर भागेगी और आप आजाद हो जाओगे और बड़ी गवाही आप दोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने एक वचन दिया है और इसी वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। वचन है 2 राजा 5 अध्याय उसका 14 वचन, 2 राजा 5 का 14 वचन। क्या कहता है वचन, पूरा अगर हम वचन पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है, नमान कोड़ी था, वो अलीशा के पास जाता है, अलीशा क्या कहता है और उसके बाद क्या हुआ जब उसने वो बात मानी। हम इसका मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं जो परमेश्वर मुझे वचन दिया, 2 राजा 5 अध्याय उसका 14 वचन क्या कहता है। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, वचन के अनुसार परमेश्वर के भक्त के, जब परमेश्वर का दास कुछ बोलता है तो उस बात को क्या ही धन्य है वे लोग जो मानते, क्योंकि वो मैं खुद नहीं बोलता, कोई भी हो, परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, कर दिया परमेश्वर के भक्त के अनुसार। वो ये जानता था कि परमेश्वर का भक्त कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है, लेकिन वो बात रियल क्या है, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। आज कितने लोग परमेश्वर की बात मानकर इग्नोर करते हैं, अरे दास बोलते रहते हैं, अरे कुछ कहते रहते हैं और नुकसान उन्हीं का होता है। एक बार इस बात को मान लेना मेरे से, तो यकीन मानना छुटकारा अपनी आंखों से देखोगे। तब उसने परमेश्वर के भक्त के अनुसार वचन के अनुसार यर्दन को जाकर 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया, वह शुद्ध हो गया, अपनी बीमारी से कोढ़ से जाता रहा। यकीन मानना शुद्ध हो जाओगे 3 दिन के अंदर, जब आप ये प्रार्थना देख रहे हो, रिसीव कर रहे हो। हालेलुया। और जब ये काम करोगे, जब नमान ने वो काम करा तो वो शुद्ध हो गया, आप जब ये काम करोगे तो शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। मेरे जैसे पानी लेके बैठे साथ में, अब तरह ध्यान से सुना जो मैं आपको बता रहा हूं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद जब पानी ब्लेस हो जाए, नेक्स्ट डे से आपको स्टार्ट करना 3 दिन लगातार। फिर कह रहा हूं, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो, आप 14 तारीख में देख रहे हो, 15 में देख रहे हो, 20 में देख रहे हो, अगले महीने देख रहे हो, कभी भी देखो, ये 3 दिन की भविष्यवाणी है। जिस तारीख को आप वीडियो देख रहे हो उस तारीख को छोड़कर जो उसका अगला दिन है, 15 को देख रहे हो तो 16 से स्टार्ट करना है, 20 को देख रहे हो तो 21 से स्टार्ट करना है। जिस दिन ये प्रार्थना आप देख रहे हो, ये ब्लेसिंग प्रार्थना है, ब्लेसिंग हो गया पानी, उसको पानी को रख देना, उठा के इस्तेमाल नहीं करना। फिर अगले दिन से 3 दिन लगातार इस पानी का इस्तेमाल क्या करना है, सिर्फ 3 दिन लगातार इसको पीना है।
बस ठंडा पिए, गर्म पिए, जैसा मर्जी आप पियो, बस पानी पीना है, पिलाना है, जो बीमार है हॉस्पिटल में उनको भेज देना। 3 दिन के अंदर प्रभु बता रहा है वो लड़कियां जो अपने आप में नहीं रहती, जो आप परेशान हो, प्रभु मुझे बता रहा है एक लड़की बहुत परेशान है, यानी कि एक माँ परेशान भी लड़के से, यकीन मानना उसका बॉयफ्रेंड, उसका उसका जो एडिक्शन है वो सब धराशायी हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे हर वो चीजें जब पानी अंदर जाएगा तो शरीर चेंज होगा, परमेश्वर उन कणों को मार देंगे जो खिलाए पिलाए है, जादू टोना है, बीमारियां है, तकलीफ है, बुरी आदत है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जितने भी खिलाए पिलाए है वो लैट्रिन की जगह, पेशाब की जगह, उल्टी की जगह निकलता हुआ देखेगा। ये बहुत अद्भुत परमेश्वर प्रकाशन है। हालेलुया, डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर साफ शब्द में आपको दिखाएगा दीक्षादान कैसे निकल रहा है। हर वो चीज बहती हुई नष्ट हो जाएगी, अंदर से निकलेगी, गंदगी निकलेगी, और परमेश्वर को जीव को त्यू कर देगा। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, याद रखना जिस तारीख को आप ये वीडियो देखते हो उसके नेक्स्ट दिन आप स्टार्ट कर देना, 3 दिन लगातार करना, तीसरे दिन पानी को पूरा फिनिश कर देना। सब कोई भी पी सकता है, लेकिन जो बीमार है ज्यादा, जो तकलीफ में है, उसे पिलाते रहना। नॉर्मल पिलाना, सुबह पिलाओ, दोपहर पिलाओ, 3 दिन लगातार पिलाओ, चाहे वो तीनों दिन लगातार पीते रहे, बस पानी को बढ़ाते रहना। पानी कम हो जाए उसको ज्यादा करना, कम हो जाए ज्यादा करना, और तीसरे दिन इस पानी को फिनिश कर देना। हालेलुया, आइए प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, ओ यीशु राजा, इन द नेम ऑफ जीसस पिता, आज इस पानी को तेरे पे सौंपता हूँ पिता, पिता ये पानी बदल जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, अभी इसी वक्त यीशु तेरे सामर्थ्य नाम है, छू ले मेरे पिता, इस पानी का कलर चेंज कर दे, इसका बिहेवियर चेंज कर दे, ओ पिता ये हेट में बदल जाए, ये तेरी लहू में बदल जाए पिता, अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम है। और जब इस्तेमाल होता, बंधन टूटे, श्राप हटे पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्ति जाए, एडिक्शन जाए, हर वो चीज जाए इस पानी के इस्तेमाल, क्योंकि ये पानी नहीं, तेरा लहू बन गया, तेरा लहू बन गया, तेरा लहू बन गया, और तेरा लहू सामर्थ्य है। मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, और ऐसा हो गया, मैं विश्वास से ऐलान करता हूं, ये 3 दिन छुटकारा पाएंगे, गवाही देंगे और आजाद होंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस पानी को देखो कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है इस पानी को देखो, तुरंत मुझे बताओ इस पानी का कलर, इसका हीट कैसा लगा। और सिर्फ इस्तेमाल यही करना है, पीना है, दिमाग से मत चलना कि इसको छिड़को, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ पीना है, पीना है, पीना है। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।